नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्मा आर्ट रूम। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ एग रोल या जिसे आप एक फ्रैंकी कहते हैं उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत ही यम्मी, बच्चों को काफ़ी पसंद आने वाली एक फ्रैंकी आज हम बनाने जाने वाले हैं, बहुत ही अलग तरीके से। तो इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने 5 अंडे लिए हैं और 5 अंडों का पल्प जो है वो मैंने निकाल लिया है। तो इसमें हमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है और अच्छे से फेंट लेना है ताकि वाइट और येलो पर जो होता है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और उसमें नमक भी अच्छे से मिक्स हो जाए। पैन गरम करके उसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून तक तेल गरम कर लिया है। तो तेल जब गर्म होता है तो उसमें आधा चम्मच सरसों, आधा चम्मच जीरा ऐड करना है। उसके बाद 1 कप कटा हुआ प्याज डालकर उसे रोस्ट कर लेना है, भून लेना है अच्छे से। जब ये हम भूनते हैं तो उसमें हमें टमाटर आधा कप बारीक में कटा हुआ वो ऐड करना है। तो ये दोनों चीज़ें हमें अच्छे से सॉफ्ट होने तक भून लेनी है। जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए फ्रेंड्स, तो उसमें हमें 1/4 टीस्पून जो है वो हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया में पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून जो है वो मैंने रेड चिल्ली पाउडर, जिंजर गार्लिक और कोकोनट चटनी में पिसा हुआ वो ऐड किया है। वो ये इंस्टेंट चटनी जो है वो मैं घर पे बनाकर रख देती हूँ ताकि कोई भी सब्ज़ी में हम जल्दी से डालकर सब्ज़ी जो है वो रेडी हो जाती है। तो इसमें पल्प जो है वो ऐड करके हमें अच्छे से उसे मिक्स करते जाना है, कंटिन्यूस हमें उसे मिक्स करना है ताकि मसाला, फिलिंग और पल्प दोनों अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरह की इंस्टेंट चटनियाँ जो है उसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करने वाली हूँ फ्रेंड्स, ताकि आप भी उसे रेडी करके बना सकते हैं। तो 5 मिनट तक मैंने इसे पका लिया है और कटा हुआ धनिया ऐड करके अच्छे से मिक्स करना है। अभी ये अच्छे से खुला खुला बन गया है तो उसे बाउल में मैंने निकाल कर रख दिया है। तो 1 टेबल स्पून तक तेल डालकर मैंने बारीक कटा गाजर, शिमला मिर्च और प्याज ले लिया है। तो इन तीनों चीज़ों को भी हमें 2 मिनट तक फ्राई कर लेना है, ज़्यादा पकाने की इसे ज़रूरत नहीं होती है। तो 2 मिनट तक फ्राई करके निकाल लेना है। आप चाहे तो उसमें चाट मसाला ऐड कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने रोटी ली है तो रोटी को दोनों तरफ से बटर लगाकर हमें सेक लेना है। आप चाहे तो घी या तेल, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो रोटी लेकर उसमें वेज मेयोनीज मैंने लगा दिया है और उसे अच्छे से हमें स्प्रेड कर देना है। तो वेज मेयोनीज स्प्रेड करने के बाद उस पर टोमेटो केचप मैंने लगा दिया है, वो भी अच्छे से स्प्रेड कर देना है। उसके बाद जो फिलिंग हमने 1 का बनाया हुआ है वो उसमें ऐड कर देना है। उसके बाद फ्राइड वेजिटेबल्स वो भी ऐड कर देना है। और हमें जो रोटी है उसका रोल जो है वो बना देना है। तो हमारा एक रोल या एक फ्रैंकी बन के रेडी हो गई है फ्रेंड्स। तो बच्चों की काफ़ी पसंदीदा और हेल्दी भी, कम ऑयली, न्यूट्रिशियस एक फ्रैंकी हमारी रेडी हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।